एक ही साइड में जाएगी कितनी भी बार करो ऐसे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आज के हमारे वीडियो में। ये है HF डिलक्स, जिसका हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था गियर फिटिंग का, क्रैंक सेटिंग का। अब आगे की प्रोसेस करने वाले हैं शुरू, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों क्लच कटोरा की साइट। इसमें नंबर पहले हमें क्या सेट करना चाहिए ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लगानी है इसकी ऑयल पंप की जाली। तो जाली को फिट करते हैं पहले। ये इस प्रकार से होती है, इसको बढ़िया से क्लीन करके फिट करें। जाली सेट हो गई हमारी। इस पैकिंग को बहुत ही सावधानी से लगाएं, ये फटने ना पाए। अगर ये फटी तो इंजन हो जाएगा हमारा खत्म। तो अच्छी तरह से करें इसे सेट। ऑयल पंप हो गया हमारा सेट। चलिए तो गियर लीवर लगाते हैं इसका, करते हैं फिट। इस प्रकार से रखेंगे, गैप हो जाए जिससे और ये आसानी से फिट हो जाए। गियर लीवर इतना काम पूरा होने के बाद अब हम इसमें फिट करेंगे ये गरारी, जिसे प्राइम गियर या प्राइमरी गियर बोलते हैं। इसे अच्छे से चेक करें, अगर ये कटा हो तो दूसरा डालें, वरना आपकी गाड़ी में आवाज आ सकती है, इससे घी घी की आवाज करती है गाड़ी अगर ये खराब होगा तो। अब ये वाला वाइसर जाएगा यहाँ पे, बस ये क्लच कटोरा आते हैं आपके। ये पतला वाला वाशर कट वाला पहले इसे डालेंगे। क्लच प्लेट कैसे करते हैं फिट, ये जो लिखा हुआ सिरा है ना, ये दिख रहा है हीरो लिखा है इस पे, इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। और प्रेशर प्लेट का जो फ्लैट सिरा है उसे नीचे की तरफ रखेंगे इस प्रकार से। इसी तरह से सारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को कर देंगे हम सेट। सेंटर लगाएंगे, तो इसे रख देते हैं। क्लच प्लेट सेट हो गई, तो इसका वाशर लगाएंगे। ये निशान देख रहे हैं आप, गोला बना हुआ है, इसे ऊपर की तरफ रखते हुए फिट करेंगे। और ये इस प्रकार से दो नट होंगे, तो छोटा वाला नट हम क्लच कटोरे पे लगाएंगे, बड़ा वाला नट जाएगा हमारा ऑयल फिल्टर रोटर पे। छेनी से खोल देते हैं लोग नटों को, तो ये पुलर लगाने में फिर दिक्कत होती है।
नए मिस्त्रियों का यही काम है भाइयों, जनता को उल्लू बनाना, ठगना। कई कई लोग तो 20-20, 15-15 हजार में इंजन कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान है ये, यहाँ पे हर कोई नौकरी वाला तो है नहीं, किसान भाई है। ऐसा नहीं है कि 5-6 हजार में गाड़ियां नहीं बनती, 5-6 हजार में भी अच्छी गाड़ियां बन जाता है, बढ़िया से इंजन। आप ही लोग डिसाइड करना फिर कैसा बनाएंगे। इस तरह से दिखाते दिखाते हो जाएगा वीडियो लंबा बहुत ही, तो क्लच कटोरे को हम करते हैं पूरा फिट, फिर आपको दिखाते हैं रिंग की सेटिंग, रिंग और ब्लॉक कैसे करते हैं सेट। तो चलिए इसे फिट कर लेता हूं मैं, फिर आपको दिखाता हूं। दोस्तों क्लच कटोरा कर लिया हमने फिट, अब करते हैं इसकी रिंग पिस्टन फिटिंग। और पहले आपको बैठाएंगे इसका, पहले हम फिट करने वाले हैं ऑयल रिंग। इसे फिट करने से पहले ये देख सकते हैं इसके कट हैं, इस प्रकार से नीचे की तरफ हुई है, नीचे की तरफ जा रहा है ये, इसी प्रकार से नीचे की तरफ रखते हुए एग्जॉस्ट के बिल्कुल जस्ट सामने लगाएंगे इन इस साइड, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वहां पे लगाएंगे। इस प्रकार से फिट कर देंगे इसे। ऑयल रिंग फिट हो गई। अब ये पतली वाली रिंग डालना है, इसे डालने का मेथड देखिए, ये एक ही तरफ को लपेगी, एक ही साइड में जाएगी, कितनी भी बार करो ऐसे से उस तरफ को जाएगी नहीं। तो अगर हमें ये नीचे तरफ फिट करना है, नीचे की साइड में ऑल रिंग की, तो ऐसे ये ऐसे लफ रही है ना, जिस साइड को लफ रही है वो हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे। अगर चलिए पहले इसे फिट कर लेते हैं, इसका कट हम रख रहे हैं आउटपुट पे, यहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, जैसी मैं रिंग फिट करता हूँ और गाड़ी में 4-5 साल तक कोई शिकायत नहीं आती, इसी प्रकार से रिंग सेट करता हूँ मैं, अपना अपना एक्सपीरियंस है। फिर ये देखिए ये कट हमने रख दिया है यहाँ पे। अब इसी प्रकार से इस रिंग को मोड़, ये देखिए इस तरफ को मुड़ रही है, तो ऊपर की तरफ रखेंगे इसका मुंह, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे इन पर, यहाँ पे ले जाएंगे इसका कट इस प्रकार से, और इसे भी फिट कर देंगे। ये दोनों हो गए, अब इनका देखते हैं इसका उल्टा सीधा कैसा है। जिस साइड ये देख रहे हैं, जिस साइड पे टॉप टू लिखा है उसी को हम टॉप पे रखेंगे, टॉप की तरफ इस प्रकार से ऐसे। चलिए इसे कहाँ फिट करना है, इसे भी आउटपुट पे, आउटलेट पे यहाँ पे फिट करेंगे। ये वाली हमने यहाँ फिट करी, ये देख सकते हैं कट, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे।
ये हो गई हमारी फिट, कंप्रेसर रिंग फिट करते हैं। उसी तरह से जिस साइड पे टॉप रखा है उसे ऊपर की तरफ रखते हुए इसके अपोजिट ले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये कट यहाँ है, ये वाला कट जाएगा यहाँ पे इसका। तो रिंग हो गई हमारी सेट, अब इसे फिट करते हैं क्रैंक में और गजन पिंड डालते हैं इसकी। तो दोनों पिनियन लॉक हो गए सेट, अब इन्हें चेक करेंगे अच्छे से फिट हुए कि नहीं। इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा दाब के इधर से देख लें, इसी प्रकार से इस साइड से थोड़ा प्रेशर लगा के देख लें। ठीक है, बढ़िया से फिट है ये। तो अब ब्लॉक को रखते हैं, इस पे ब्लॉक सेट करते हैं। इससे पहले पिस्टन की कर लेंगे ऑयलिंग, और पहले ऑयलिंग करते हैं। रिंग की पोजीशन हो गई करेक्ट, अब ब्लॉक फिट करते हैं। ये रहा हीरो का जेन्युइन ब्लॉक, इसमें करते हैं ऑयलिंग, सेट करेंगे इसे। आराम से रखेंगे, झटके से नहीं जाने देना ब्लॉक को, आराम से रखेंगे जिससे कि रिंग ना टूटे और ब्लॉक हमारा आराम से फिट हो जाए। हल्का हल्का रिंग को दबाते हुए करके आराम से, हल्के हाथ से बिल्कुल। तो ब्लॉक हमारा हो चुका है सेट। ब्लॉक सेट हो गया, ये वाला नट कर देंगे फिट। फिर इसका हेड रखते हैं जो हमने पहले ही फिट कर लिया था, देख सकते हैं हेड हमने पहले ही फिट करके रखा है। तो इसको फिट कर देंगे, फिर दिखाते हैं आपको टाइमिंग सेटिंग। चलिए हेड लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों कर लिया हेड हमने फिट, अब इसकी प्लेट करते हैं टाइट। हेड प्लेट इसे लगाने का तरीका देखिए, ये देख सकते हैं आप एग्जिट लिखा है जो, तो इसे एग्जॉस्ट की साइड रख के इस प्रकार से फिट कर देंगे। ये फिट हो गई, अब इसके सारे वॉशर लगा के नट टाइट करेंगे। ये वाले वाशर पे खासकर ध्यान देना है आपको फिट करते समय, ये कॉपर का होता है, तो ये यहाँ पे जाएगा इस वाले पे, इसे स्टेड पे जाएगा ये, यहाँ देख सकते हैं टॉप वाले पे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब सभी वाशर फिट करके इसे कर देते हैं अच्छे से टाइट। चलिए देखते हैं इसका टाइमिंग सेट करने का तरीका। कैम को रखेंगे प्री पोजीशन में, यहाँ पे दोनों बालों में बंद। ये वाला रोलर कर लेंगे फिट, ओके। अब आते हैं क्रैंक को, क्रैंक को रखेंगे टॉप पे जिससे कि हमारी पिस्टन हो जाए टॉप पोजीशन पे, और करेंगे ये रोलर फिट। ये जो निशान देख रहे हैं इसे हमें लाना है यहाँ पे, ये वाला जो कट है इसकी बिल्कुल सीध में। तो चलिए रोलर करते हैं फिट।
प्रकार से स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से चेन को आराम से चढ़ाते जाइए। अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा है आउट, यहाँ पे जा रहा है। तो एक डिस्कलर उतारेंगे इसका, इस साइड को बढ़ा देंगे एक डिस्कलर। ऐसे ये हो गई हमारी टाइमिंग 0 to 0 सेट, देख सकते हैं आप टाइमिंग सेट हो गई। अब इसके नट लगाएंगे, नट कस के प्लेट फिट कर देंगे इसकी। इंजन की फिटिंग कर ली है कंप्लीट हमने। अब सारी सील लगा देंगे, एक भी सील नहीं छोड़नी है हमें, सारी सील न्यू डाल देंगे जिससे कि ऑयल लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना आए। और यह काम करने के बाद इंजन को करेंगे गाड़ी में फिटिंग। इंजन हो चुका है हमारा कंप्लीट पूरा, ये देख सकते हैं आप, सारी सीलों को न्यू डालेंगे हम, आराम से फिट करें, सील कटने ना पाए। बढ़िया बारीकी से सारी सीलों को हमने फिट कर लिया है। अब इन्हें पुलर और हथौड़ी से थोड़ा ठोक कर अपनी जगह पे कर देंगे सेट। चलिए तो इंजन है रेडी, अब करते हैं इसे गाड़ी में फिट। इंजन पूरा क्लीन है, इंजन है पूरा क्लीन। तो डालेंगे इसमें 1 लीटर का, क्योंकि 900 पड़ता है इसमें, तो अभी पहला ऑयल डर रहा है तो 1 लीटर का डालेंगे कैस्ट्रोल एक्टिव। चलिए ऑयल डालते हैं, रहेगी ओरिजिनल सील मक्खन ऑयल। कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, दिक्कत पड़ रही है थोड़ी। चलिए डाल देते हैं, ये पड़ गया मोबाइल हमारा। गाड़ी का इंजन हो चुका है कंप्लीट, कस के स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब ये देख सकते हैं इसकी फाइबर वगैरह है टूटी हुई, तो गाड़ी का ऊपरी काम वायरिंग वगैरह का फाइबर का इन्हें रिपेयर करके बढ़िया से करेंगे फिट, जिससे कि कस्टमर का ज़्यादा खर्चा भी ना आए जुगाड़ करते हुए। तो चलिए इन्हें रिपेयर करते हैं और गाड़ी को तब तक रमा के लिए छोड़ते हैं। टेल पैनल कर दिए हमने कस के रेडी, देख सकते हैं बढ़िया हो गई सेटिंग टेल पैनल की। अभी हिलेगा भी नहीं, आवाज़ भी नहीं करेगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट।